ये रहा अभी अभी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी आया हुआ है सुबह सुबह पिकअप करने के लिए, रोहित यहाँ पे रेडी है। सो हम अभी निकलने वाले हैं। चलो हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज माय सेकंड डे इन सतारा एंड अभी भी यहाँ पे है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो द सीन ये है कि कल हम लोग गए थे कास प्लेटो और वहाँ पे हम लोग पहुँचते पहुँचते एक लगभग 6:37 हो गया था, तो बहुत अंधेरा हो गया था वहाँ पे, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी होता है, ठंडी का मौसम है, आप सब लोगों को मालूम है। सो हम लोग फिर भी आई मैनेज टू टेक वीडियोस ऑफ द फ्लावर्स, जिधर जो वन विभाग का जिधर चेक पोस्ट है वहाँ पे उन्होंने सब पिक्चर्स लगाए हुए थे फ्लावर्स का और वहाँ के सब नज़ारों का। सो आई टुक द वीडियोस ऑफ दैट एंड ऑल, बट स्टिल मेरा मन में एक था कि अरे यार, मेरे को एक डे टाइम में या लाइट टाइम में मुझे वो जगह को देखना था या एक्सपीरियंस करना था वो जगह को। तो एक्चुअली द कोइंसिडेंस ये हुआ कि नेचर ने मुझे वापस बुला लिया। तो सीन ये था कि मेरा जो ट्राइपॉड है वो मैंने वहाँ पे जो चेक पोस्ट एरिया था वहाँ पे पानी पीने के लिए मैं गया और पानी पीने के चक्कर में मैंने साइड में मेरा ट्राइपॉड को भूल गया। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले और निकलने के बाद एक हाफ एन आवर के बाद फ़ोन आया वहाँ से बोल के कि आपने आप जो लोग अभी आए थे उनका ट्राइपॉड वहाँ पे भूल गए। तो जब फ़ोन आया तब मुझे इतना खुशी हुआ और अविनाश के मामा भी बोल रहे थे कि तुम्हाला परत जायला लागणार। तो मेरे को मन में ऐसा लगा कि अरे यार, वो जगह ने ही हमको वापस बुलाया ताकि मैं वो जगह को, सीनिक जो ब्यूटी है वो डे टाइम में मैं देख पाऊँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कास एंड अब मैं आपको मॉर्निंग का सनराइज और वहाँ का फुटेजेस बताता हूँ एंड होप यू गाइस हैव अ गुड डे एंड सी यू गाइस। गुड मॉर्निंग सर। सो गाइज, अभी महेंद्र मामा आ गए, अविनाश के मामा है ये। तो यही थे वो सर जो हमको कल पूरा घुमा के बताए और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए। तो आज हम वापस जा रहे हैं खास और आपको बताएंगे वहाँ का व्यू। सो ये राजवाड़ा है, शिवाजी महाराज का टाइम का महल है उनका, अभी भी प्रिजर्व्ड है। It's a very beautifully done mahal. As you can see, the woodwork and all is still as it is. So, अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए सुबह सुबह और प्रेमाचा चाय is the place where we are today. प्रेमाचा चाय। So, let's have tea, guys. Hey guys, welcome back. This is day 2 in Satara and a very good morning to you. I'll show you the morning view. We are gonna reach Kas in about 20 minutes and this is the morning view. The sun is up. It's a very pleasant view from here. So we just stopped the car to take some footages. Hey guys, we are at Kas Plateau now and yesterday in the night we had come here. तो बहुत अंधेरा था तो फुटेजेस डार्क में लिए थे। तो आज हम लोग वापस आए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ट्राइपॉड छूट गया था यहाँ पे, तो ट्राइपॉड लेने आए और यहाँ का मॉर्निंग का फुटेजेस भी मैं आपको बताऊँगा। सो लेट्स एन्जॉय गाइस। ठंडी में थोड़ा सा शेकुटी ले रहे और अभी का टैटू का शूट भी करना है, तो वो भी हम इधर करेंगे नेचुरल डेलाइट में। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल के इस जगह को घोषित किया हुआ है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो गाइस, अभी हम लोग कुमोदिनी तालाब जा रहे हैं, वहाँ पे लोटस का नेचुरल लोटस प्लांट्स देखने मिलेगा एंड वो एक तालाब है। ये नेचुरल तालाब है, कुमुदिनी तालाब है। इस सीज़न में सितंबर में आते हैं
और अक्टूबर 15 तक के ख़त्म हो जाते हैं। इनका लाइफ डेढ़ महीना ही रहता है। एकदम छोटा कमल का फूल रहता है। अच्छा, एकदम छोटा, इतना कलम का कमल का फूल तो ऐसे ही बड़ा रहता है, लेकिन इधर जो आता है वो एकदम छोटा रहता है। वो फूल देखने को तकदीर होएगा तो मिलेगा। मिलेगा। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया में है। सो गाइज, दिस इज कुमुदिनी तालाब। एक नेचुरल तालाब है यहाँ पे लोटस फ्लावर का। देखते हैं कि यहाँ से हम एक कली लेके जा सकते हैं कि नहीं। मेरे को बहुत टाइम से इच्छा है एक लोटस प्लांट का। अगर एक अच्छा सा मेरे को रूट के साथ मिला तो मैं एक कली लूँगा यहाँ से। रोहित खड़ा है और मजा ले रहा है। कैसा लग रहा है रोहित? बहुत वन विद नेचर वाला फीलिंग आ रहा है। फ्रेशनेस बहुत है हवा में एंड लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो वेरी रिच इन दीस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ब्यूटीफुल मॉर्निंग, गुड स्टार्ट टू द डे। स्नेक का चमड़ी वो छोड़ता है ना? हाँ, वो छोड़ा है। गाइस, गेस व्हाट वी फाउंड ओवर हियर। ये स्नेक का वो स्किन है। जब उन लोग फ्रेश स्किन जनरेट करते हैं तो एक टाइप ऑफ लेयर उन लोग छोड़ते हैं बाहर। बहुत ही एक लंबा स्नेक रहा होगा, आप देख सकते हो। अभी पानी रहता है ना, इसलिए इधर रहता है ये फूल। अभी तक तुम्हारे नसीब में है, देखेंगे। गाइस, ये एक तरीके का फूल हमने यहाँ पे स्पॉट किया हुआ है। मैं आपको बराबर से बताता हूँ, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड मैं आपको आगे का प्लान के बारे में बताता हूँ। सो अभी हम लोग आए हुए हैं हेरिटेज वाड़ी एंड कल रात को ये जगह पे आए हुए थे, बट अंधेरे में भी हमने बहुत अच्छा अच्छा फुटेजेस लिया। तो अभी फॉर्चुनेटली मॉर्निंग में हमको यहाँ पे वापस आने का मौका मिला, क्योंकि आपको पता ही है मेरा ट्राईपॉड की कहानी। तो हम लोग वापस आए थे खास, तो ऑन द वे बैक ये हेरिटेज वाड़ी है। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और अंदर का वीडियो शूट आपको मैं बताऊँगा। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो गाइस, ये एंट्रेंस देख सकते हो आप, ये वुडवर्क एंड ऑल। बहुत ही अनोखा तरीके से ये जगह को बनाया हुआ है। आउटडोर सिटिंग एरिया है और ये जगह को डेस्टिनेशन वेडिंग में भी रेंट के लिए लोग यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन वेडिंग भी कर सकते हो, पूरा रिजॉर्ट को बुक कर सकते हो और आपका मनचा एक्सपीरियंस में आपका शादी करवा के दे सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो वो जगह पे डैम है एंड ये पूरा माउंटेन्स है। सो लेट्स चेक दिस आउट।
सो गाइस अभी फाइनली यहाँ से निकल रहे और अभी हम लोग आगे जाने वाले एक वाटरफॉल्स के इधर, तो मैं बताता हूँ वो जगह का क्या है, जगह का नाम। सो गाइस अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं हेरिटेज वाड़ी में और यहाँ पे पोहा ऑर्डर किया है हमने और एग बुर्जी, तो अभी गरम गरम बन के आ रहा है एंड नाउ लेट्स एंजॉय आवर ब्रेकफास्ट। सो ये हमारा बुर्जी, लेट्स एंजॉय। अभी हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। सो दिस इज हेरिटेज वाड़ी फॉर द वन लास्ट टाइम फॉर दिस विजिट एंड अभी हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं। ये टनल अंग्रेजों ने बांधा है ये? अच्छा, अब का नहीं, 100 साल के ऊपर हो गए ये टनल। 100 ईयर्स पुराना टनल था जो टनल से हम लोग अभी गुजरे। तो गाइस अभी हम लोग सतारा में सोनावड़ी गजवड़ी ऐसा एक जगह पे आए हुए हैं। यहाँ पे मेरा एक हमारा एक फैमिली रिलेटिव मिलने वाला है, वो हमारे साथ बैंगलोर में हमारा नेबर थे तो उनको मिलने के लिए आए हुए हैं। वो हमेशा बोलते थे कि सतारा आएंगे तो एक बार विज़िट करके जाना। गाइस ये रंजना आंटी है, आंटी हमारे साथ बैंगलोर में साथ में नेबर थे तो इनको हम सतारा में मिलने आए। हेलो आंटी। आंटी अपना आंटी आप आंटी ये जूना जमाने का चूल्हा है। हाँ। सो गाइस अभी हम लोग रंजना आंटी के वहाँ से अभी निकल रहे, तो अभी आगे का प्लान बताते हैं आपको। ये गेहूं का खेती है। अच्छा, आवाज वो नहीं दिख रहा है तो ये सब खड़ा किया है ना, ये दिख रहा है वो राइस का है, चावल का, चावल का, चावल निकल से झाड़ के निकलते ना वो पूरा। आज तो पहला हार्वेस्ट है। हाँ, धबधबा कुठून दिसतो रे इथून ह्या साइडन? हा, हाय का? सो अभी हम लोग आए हुए हैं कुशेकर वाटरफॉल्स और एंट्री टिकट वहाँ पे ले रहे हैं और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं और अंदर का फुटेजेस बताता हूँ। वो देख सामने, ये थोड़ी है, वो देख उधर भी है। बारिश के सीज़न में तो सब जगह से होता रहेगा यहाँ पर। सो ये वो पॉइंट है, डेक है, यहाँ से हम व्यू कर सकते हैं पूरा वैली को। एंड गाइस ये देखिए, ओ वो तो मिनी था, ये है मेजर वाटरफॉल। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो मेरा पीछे, दिस इज तोसेकर वाटरफॉल्स दबदबा और बहुत ही एक बड़ा सा वाटरफॉल है वो, जो वहाँ से लेके नीचे तक दिखाई दे रहा है। एंड द साइज़ ऑफ द माउंटेन इज़ वेरी स्टीप, बहुत ही बड़ा और डीप खाई है। गाइस चेक दिस आउट, दिस वाटरफॉल इज़ समथिंग अमेजिंग। पानी बहुत ही ब्लू लग रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि हम इंडिया में कोई वाटरफॉल देख रहे हैं। इतना क्लीन है पानी कि आप देख सकते हो यहाँ से कि कितना ब्लू टिंट दिख रहा है वाटर में। सो गाइज दिस इज़ द विंडमिल
गाइस ये अपना वर्कशॉप का सर्टिफिकेट है। सो गाइस अभी फाइनली हम सतारा से निकल रहे हैं और अविनाश भी यहाँ पे है। थैंक यू अविनाश, बहुत मज़ा आ गया। बहुत ही अलग तरीके से हमने सतारा को अविनाश के व्यू से देखा और यू नो उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पे लेके जाके हमको बताया, घुमा के लेके आए। सो और उनका स्टूडियो में भी हमने टैटू बनाया। तो यहाँ का जो वन डे का जो टूर था सतारा में, बहुत ही एक अच्छा तरीके से गया। सो सी यू गाइस सून एंड थैंक यू अभी, टेक केयर, सी यू सून। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से सतारा से निकलने वाले हैं। बैग सब अभी गाड़ी में डाल रहे हैं और अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है वाई। सो सी यू गाइस इन वाई। हे गाइस, सो वी आर नाउ हेडिंग टू वाई। विल बी रीचिंग वाई इन लाइक अबाउट 30 मिनट्स फ्रॉम नाउ एंड विल मीट कृष्णा एट कृष्णा टैटू स्टूडियो वाई। सो लेट मी टेक यू देयर। Guys, see you in Y at Krishna Tattoo Studio.